हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। इकोनॉमिक बॉटनी और जो है कि फैमिलीज जितनी हैं 12-13 फैमिलीज हैं, जो कि हमारे ट्रेंथ ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है TGT का, उत्तर प्रदेश का, उसमें जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो लोग भी बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है, उन लोगों को जो है कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो हूँ आपको बायोलॉजी पूरा कराने वाली हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और यहाँ पे इस चैनल पे मैं आप लोगों को जो है कि TGT का जितना बायोलॉजी है वो पूरा मैं आप लोगों को कराऊंगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी जो है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ तो हमें कि उड, जिनसे हमें उड मिलता है, बहुत सारे हैं जिससे हमें स्पाइसेस मिलता है, बहुत सारे हैं जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, कॉटन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं, मीन्स कि इनसे हमें आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। जो टिम्बर, जिनसे हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं, इस वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी का, टिम्बर बिल्डिंग प्लांट्स कि जिससे हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं उसके बारे में करने वाले हैं। तो देखिए शीशम, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे शीशम का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, या जो है कि बहुत ही कामन है। शीशम का जो पेड़ है वो बहुत ही कामन है उत्तर प्रदेश में। जो है कि लोग जो है अपने खेतों के अगल बगल भी शीशम का पेड़ लगाए रहते हैं, और कुछ दिनों बाद उन्हें जो है कि बहुत ही अच्छा लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक वैल्यू की लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे कि फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं और दरवाजे वगैरह भी बनते हैं शीशम के। तो और ये लकड़ियाँ जो होती है शीशम की, वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। तो शीशम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका कि बोटेनिकल नेम होता है डलवर्जिया शीशो। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया कि डलवर्जिया शीशो साइंटिफिक नेम दे देगा टिम्बर बिल्डिंग प्लांट में, और शीशम का बोटेनिकल नेम पूछ देगा, तो आप बताएंगे डलवर्जिया शीशो। फैमिली जो है फेबेसी है इसकी। वुड इज, इसका जो वुड होता है बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है, बताया मैंने अभी आपको कि इसके फर्नीचर्स बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडियन वुड, और यह जो है इंडिया में पाए जाने वाले वुड्स में सबसे ज्यादा एक अच्छा वुड माना जाता है, ठीक है। तो सेकंड हम देख लेते हैं, वो है साल। साल का बोटेनिकल नेम होता है सोरिया रोबुस्टा, ठीक है। साल जो है इसका नाम होता है सोरिया रोबुस्टा, डिप्टेरेसी फैमिली का है। इट रैंक सेकंड टू द टिक इन द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यह जो है दूसरे नंबर पे आता है। वाइडली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड द फर्नीचर, ऑल्सो होस्ट ऑफ द तसार सिल्क वॉर्म, ठीक है। और यहाँ इसमें जो है सिल्क वॉर्म जो है, जिससे कि हमें सिल्क मिलता है कोकून से उसके, तो तसार सिल्क वॉर्म जो है वो जो है कि सूर्य रोबुस्टा जो होता है साल, इसके ट्रीज में रहता है, ठीक है, इसके स्टेम्स में। तो इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे वगैरह के जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं वो भी जो है साल से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेलवे के स्लीपर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग और हार्ड लकड़ियों के होते हैं, तो वो हमें सूर्य रोबुस्टा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सागौन या टिक। सागौन को ही टिक बोलते हैं, टेक्टोना फ्रेंसिस इसका जो बोटेनिकल नेम है, आपको याद होना चाहिए एकदम से, टेक्टोना फ्रेंसिस है। और फैमिली है वर्बेनेसी, यूज फॉर बिल्डिंग सीप। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीप, ब्रिज, रेलवे स्लीपर एंड फर्नीचर। तो आपसे पूछ देगा कि कौन से ट्री की जो लकड़ी है, जो वुड है, वो जो है कि सीप्स बनाने में यूज होती है, ब्रिज बनाने में, रेलवे स्लीपर, फर्नीचर।
तो सागौन या टिक जो है ना, टेक्टोना फ्रांसिस, यह जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इसकी ऊड होती है, और इसलिए यह जो है इन सारी चीज़ों में यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, वायलिन, लॉन्ग नेक, आप द सितार, इतिसी। तो आप देख लीजिए कि कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सागौन या टिक जो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट, वो है देवदार, सिड्रस डेओडारा, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है सिड्रस डेओडारा, लिनियसी फैमिली का है, मीडियम वेट वुड होती है, वेरी स्टर्डी एंड ड्यूरेबल होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द इंडियन कोनीफर्स। इंडिया में जो कोनीफर्स पाए जाते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रांग वुड होती है, मीन्स की बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मलबरी मोरस एल्बा, फैमिली इसकी है मोरेसी। स्पोर्ट बूट्स के लिए हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश रैकेट एंड द क्रिकेट स्टंप्स जो है इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट विलोय, व्हाइट विलोय का नाम सेलिक्स एल्बा है, सिलियसी फैमिली का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पाइनस है, नेक्स्ट यहाँ पे हम प्लांट देखेंगे पाइनस, इसे चीड़ भी बोलते हैं। यह क्या होता है, एक तरह का यह जिम्नोस्पर्म भी होता है। तो बोटेनिकल, इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा पाइनस रक्सबर्गाई। फैमिली जो है पिनेसी है, ठीक है। रिजिनस हर्टवुड होता है इसका। यह भी जो है हमारा पाइनस का जो वुड होता है, पाइनस को हम चीड़ भी बोलते हैं। तो इसका तीनों नाम याद रखिएगा, पाइनस चीड़ या फिर पाइनस रॉक्सबर्गाई। ये यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग केसेस, फर्नीचर एंड इन मैच इंडस्ट्री, यूज फॉर पेंसिल ड्राइंग एंड बोर्ड्स, ठीक है। पेंसिल वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा वालनट, वालनट से हमें फ्रूट भी प्राप्त होता है वालनट का, और इसका ट्री भी का हमारे बहुत काम का होता है। जुगलांस एंड रिजिया, ठीक है। जुगलांस देसी फैमिली का है। इसका वुड जो है यूज फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द कैबिनेट वर्क, इसका वुड जो है यूज किया जाता है कैबिनेट वर्क के लिए। इकोनॉमिक बटनी में अब हम जो है नेक्स्ट जो प्लांट हम देखने वाले हैं वो है फाइबर। फाइबर जो है इसका बोटेनिकल नेम जो होता है गोसिपियम हर्सुटम है, फैमिली मालवेसी है। और फाइबर हमें कॉटन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत सारी स्पीसीज के नाम दे दे और यहाँ पे गोसिपियम हर्सुटम लिख दे तो आपको ये टिक करना रहेगा। और फ्लैक्सीड या अलसी जिसे बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें जो है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, और इससे क्या होता है कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होती है ना, वो हमारे बॉडी के बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको काटती है, उसको ख़त्म करती है। तो इसलिए फ्लैक्सीड या अलसी जो है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर मिल जाता है हमें मार्केट में, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और जो है ग्रोइंग किड्स को, बच्चों को देने पे, जो बच्चे बढ़ने वाली जिनकी एज है उन्हें देने पे, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तल्लीनम ओसिटैसिनम, ये हो गया लिनियसी, स्ट्रांग एंड मोर ड्यूरेबल देन द कॉटन। इसके जो फाइबर होते हैं वो कॉटन के जो फाइबर होते हैं उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अब यहाँ पे कॉटन से हम बता देते हैं, आपने गांव में देखा होगा कि कॉटन के बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, लेडीज या जेंट्स, वो जो है कॉटन के पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो वो कपड़े जो है बहुत ही कम चलते हैं। अगर गर्मियों के सीजन में एक बार हम कोई कॉटन क्लॉथ पहनना शुरू करते हैं तो 3-4 मंथ गर्मियों के जाते जाते वो हमारा कपड़ा भी खराब हो जा फटवट जाता है। तो कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, शरीर के लिए तो बहुत ही सूदिंग होते हैं, लेकिन क्या है कि वो बहुत ड्यूरेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लैक्स से जो फाइबर हमें प्राप्त होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लस्ट्रस होता है, फ्लेक्सिबल, और वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट से भी हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, और
क्रोकस, इसका जो जूट है, जूट का आपको बोटेनिकल नेम याद रखना चाहिए जो कि है क्रोकस, और ये फैमिली है टिलिएसी। फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम, इसके सेकेंडरी फ्लोएम से फाइबर हमें प्राप्त होता है। और यह जो है जूट का यूज जो है गनी बॉक्स और कारपेट बनाने में, जहां भी मोटे, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मोटे दर्री जैसे मोटे कपड़े की आवश्यकता होती है, कारपेट्स वगैरह जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं वहां पे बिछाए जाते हैं कारपेट्स वगैरह, वो जूट के बने होते हैं। और जिन बैग्स में, गुनी बैग्स हम उसे बोलते हैं जिसमें हम अपने सीरियल्स को, जैसे गेहूं, चावल और चना, ये सारी चीजों को भर के रखते हैं, उन्हें गुनी बैग्स बोलते हैं। तो वो सारी चीजें जो है जूट से प्राप्त होने वाले फाइबर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सन हेम्प है, बोटेनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, फैमिली है पेपिलियोनेसी। ठीक है, जो हमारा सन हेम्प है क्रोटोलेरिया जुन्सिया या पेपिलियोनेसी फैमिली का है, और यह यूज किया जाता है कैनवास एंड द कोरस क्लॉथ्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो फाइबर है वो है कोकोनट से प्राप्त होने वाला। कोकोनट का जो बोटेनिकल नेम है वो हो जाएगा कोकस न्यूसिफेरा, फैमिली एरेसियेसी है, यूज्ड फॉर मेकिंग मॉप, मैट, बैग, इटीसी। सैमल ये जो होता है इसको बम्बक्स सीबे भी बोलते हैं, बम्बेसी फैमिली का है, यह जो है बम्बेसी फैमिली का है। ठीक है, यूज्ड फॉर पिलो स्टफिंग, ठीक है, कुशन कवर, फाइबर फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ फ्रूट, और इसके जो फाइबर होते हैं वो फ्रूट के इनर वाल से ही प्राप्त होते हैं। मदार, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है उसका बोटेनिकल नेम है मदार। मदार जो है यह किस फैमिली का है, एस्कल्पिडेसी फैमिली का है। इसका फ्लोरल फार्मूला थोड़ा स्पेशल है, ये बहुत पूछा जाता है। मनीला हेम्प, इसका जो है मोसा टेक्सटाइल, इसका जो है बोटेनिकल नेम है म्यूसिएसी का है, यूज्ड फॉर मेकिंग धोती एंड द साड़ी, इसे साड़ी और धोती भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने आपको इस वीडियो में फाइबर यील्डिंग प्लांट्स और टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बता दिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्पाइसेस के बारे में बताऊंगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।